हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। आईआईटी और नीट में लगातार 8 साल से मिथिलांचल में सर्वाधिक रिजल्ट, ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा, फॉर आईआईटी नीट बोर्ड एंड प्री फाउंडेशन। दरभंगा में इससे सस्ता कहीं नहीं, टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट की फुल रेंज, ऑथराइज्ड डीलर कजारिया हिंदवेयर, बाथ एंड किचन फिटिंग्स, मकान बनाने का सारा सामान, एमएन होम सॉल्यूशन, एकमी घाट लहरिया सराय। रैप्चर का शुभारंभ 3 जुलाई रविवार को, रैप्चर सैलून फॉर मेन एंड वुमेन विद वर्ल्ड क्लास कैफे, सेकंड फ्लोर तेजस्वी सीतायन शॉपिंग मॉल, बाकरगंज लहरिया सराय। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, बाकरगंज जामा मस्जिद के सामने लहरिया सराय, एक ही छत के नीचे कपड़े एवं रेडीमेड के सभी ब्रांड उपलब्ध। दिल्ली कम्स टू दरभंगा, अलाइज इंस्टीट्यूट प्रोफेसर कॉलोनी दिग्घी वेस्ट दरभंगा, जेईई नीट बोर्ड एंड फाउंडेशन, ट्रेमेंडस रिजल्ट सिंस 2019। पिछले 12 वर्षों का है हमारा विश्वसनीय शानदार रिकॉर्ड, हज और उमरा करिए हमारे साथ, नफीसा हज एंड उमरा ट्रेवल्स, बाजार समिति के सामने, शिवधारा दरभंगा, अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। डॉक्टर और इंजीनियर फैकल्टी टीम के साथ करें तैयारी नीट, जी और बोर्ड की, जो पिछले 3 साल से दे रहा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, एडमिशन ओपन, ग्रे मैटर, खानका चौक, दरभंगा। क्या उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डीएमसीएच में जारी है शराब का बड़ा कारोबार? क्योंकि यह बड़ा सवाल एक बार फिर यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा है। बिहार में शराब बंदी है, फिर भी लगातार सरकार की नाक के नीचे सरकारी संस्थानों से शराब के कारोबार के चलने की खबरें आती रहती हैं। पेशे से धरती के भगवान का दर्जा पा चुके डॉक्टरों का मेस भी दरभंगा में इससे बचा नहीं है। दरअसल उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच परिसर में एक बार फिर शराब बरामद हुई है और पूर्व की भांति एक बार फिर पुलिस ने छोटी मछली को पकड़कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। लगता है बड़े रसूख के सामने पुलिस भी ज्यादा तह तक जाकर इस कारोबार के बड़े संरक्षकों को पकड़ने की जहमत नहीं उठाना चाहती। इतने बड़े संस्थान से बार बार शराब की बरामदगी से यह सवाल कहीं न कहीं जरूर खड़ा होता है कि बिना किसी बड़े संरक्षण के इतने बड़े संस्थान में शराब का कारोबार कैसे चल सकता है। ताजा मामले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डीएमसीएच के एमडीएच बॉयज हॉस्टल से सटे मेस के अंदर छापेमारी की है। इस छापेमारी में विदेशी शराब की कुल 27 बोतलों को बरामद कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार कारोबारियों की पहचान मेस संचालक सुरेश मंडल एवं उसके पुत्र विकी मंडल के रूप में हुई है। ये दोनों बहादुरपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।